नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दहेगढ़ा के गलपुर गांव में आजादी के दशक से गांव के लोग अभी भी सड़कों से वंचित है। आपको बता दें, मानसून आते ही सड़कों पर कीचड़ लबालब भर जाता है। देखिए, अरवली जिले के भिलौडा तहसील के दहगामडा पंचायत के गलपुर गांव आजादी के दशक से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। दहगामडा में सरपंच और तलाटी साहब श्री ओ के बार बार प्रतिनिधित्व करने के बावजूद आंखें मूंद ली जाती है। तत्काल मांग की गई है। हर साल मानसून के मौके के दौरान बहुत बारिश होती है। गाँव में एक ही पैर कीचड़ वाली सड़कों पर चलते हैं। गाँव में कोई पक्की सड़क नहीं है, परिवहन में बहुत कठिनाई है। पंचायत और जिला प्रणाली कब जागेगी, ये देखने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।